हेलो 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 संचलन की रचना में खड़े होंगे।
कोई बाहर से आया था। ग्रे कलर के भैया दो लाइन में, दो लाइन में आगे बढ़िए। जिनका कद छोटा है वो आगे, नहीं पता है जिनका कद बड़ा है ऐसे लोग पीछे। किस तरह से फहराए हैं वो अपने बगल के लाइन में देखे, कौन भैया वहां खड़े हैं आपको पता है? अपने बगल के क्रम में देखो और पीछे चलिए बहने, बहने और पीछे जाओ और अंतर लीजिए। चार पीछे जगह एकदम खाली है। रेड का मतलब रेड नहीं है वो भगवा कलर है। केसरी कलर, केसरी कलर का मतलब क्या होता है पता? वो किस प्रतीक का? ये बहने ग्रे कलर की नहीं। पीछे स्पेस है, पीछे खिचकी है और अपने बगल में एक संख्या अपने होनी चाहिए। आप देखिए आपके बगल में कौन खड़े हैं? सब लोग देखिए अपने बगल में कौन खड़े हैं। आप उसी स्टेप में चलोगी, कहाँ जा रही हो तुम? बस ये अकल नहीं काम करती है। दिखाने के लिए आए हैं। अपने बगल की संख्या देखो ना, अपने बगल की संख्या। बहने बात नहीं करेंगी, बात क्यों कर रहे हो? बात करने के नाते से आप खड़े नहीं हो पा रहे हो ठीक प्रकार से। आप बात करने के नाते से ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। बड़ी बहने पीछे, आरतकी तुम्हारा कद वही लग रहा है। आरतकी तुम्हारा कद वही लग रहा है ना? हमको बताओ सेकेंडरी के बच्चे हैं और अपने समझ में नहीं आया कि हम कितने बड़े छोटे हैं। ये बात नहीं समझ में आई। केसरिया का प्रतीक क्या होता है इसमें? अपने बगल का स्टेप देखिए, अपने बगल में खतरे के लिए वो बहन के लाइन में बहने होंगी। सुनो सुनो, ये चार और ये तीन भैया के लाइन में भैया होंगे। दो तीन और एक चार प्राइमरी सेक्शन में लगी जो मैम है ये खड़ी है एकदम। आप अपने बच्चों को सेट नहीं कर रही है अपने यूनिफॉर्म के साथ। दो लाइन में उनको सेट कराइए अंतर करके। सीधा करो, बस सीधा करें, जब फोटो ले रहे हैं देख रहे हैं। ये यूनिफॉर्म कुछ लड़कों से निकालने की कोशिश करते हैं। दो लाइन बच्चों की होगी। क्या नाम है? दो लाइन बच्चों की होगी। मोहम्मद शमीम जी और बच्चों को करने के रखना के खड़ा कराइए। प्राइमरी सेक्शन की जो मैम जहाँ से इनको अच्छा लगी है क्या क्या यूनिफॉर्म का ध्यान देते हैं। नीला केसरिया का प्रतीक क्या होता है? क्या भैया का भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं करोगे? हमारे बगल में कोई ना कोई भैया बहन खड़े हैं। चलते समय उसमें कितनी चौबीस जिनके हाथ खाली हैं, जिनके हाथ खाली हैं उसमें चौबीस मुट्ठी को वार करके दोनों हाथ को निकालते हैं। बताएंगे आप कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाते हुए चलेंगे। आदर्श यादव जी तिरंगे में चलते हैं, जो चौथा रंग है जो भी लोग होते हैं सारे लोगों की जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तिलियां हैं? चौथा रंग हम चल रहे हैं आपको पता ही नहीं। नीली रंग है। क्या नाम है आपका? संदीप माया। संदीप जी आपको बताइए तिरंगे में कितने रंग है? जिनके हाथ तीन रंग है, चार नहीं है, दाहिने हाथ में चौथा है, तीन प्रकार के उठा क्या है और बाएं हाथ को निकालते हैं मुट्ठी वाले का कैसे क्या रंग है? किस क्लास में है? नाइन्थ में। सावधानी को आप ध्यान में रखते हैं संतुलन में। इंडियन में क्या नाम है? और हमारे जो पुरातन छात्र के भैया है यहाँ से निकले हैं ये ठीक है। पहले ही बात करके जो हमारे भैया है ऐसे भैया हो तो भी हमने आमंत्रित किया है। ये छोटे छोटे चक्र सड़क चक्र क्या रहती है ऐसे प्रपत्र में चलाने के लिए भैया वालों को। आप अपने बाइक से दाहिने तरफ फिर के इस तरफ से साधन निकलता है, इस तरफ से एक रो में ही फिर आपसे बात करेंगे। हमारे द्वारा 24 पीढ़ियों का मतलब आप जरूर समझे। इस बात का ध्यान देते ही हम सड़क जहाँ रोड को हम क्रॉस करेंगे ऐसे उस क्रॉस पॉइंट पर
हम रास्ते को अवरुद्ध करके भैया बहनों को निकलने की व्यवस्था बनाएंगे। बाकी यहाँ निकल रहे हैं सड़क के एक तरफ दाईं तरफ उनके बारे में अपने इन भैया बहनों की निगरानी करते रहेंगे। तिरंगे में कितने रंग है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, सफेद किस चीज का प्रतीक है? शांति। और तीसरा पहला शौर्य का प्रतीक होता है शुक्ला जी, ठीक है। चौथा रंग भी होता है, उसमें तीन ही रंग नहीं होता है, चौथा होता है। चौथा कौन सा रंग होता है? चक्र होता है, वो अशोक चक्र के इसमें ये बनाया जाता है नीला। 24 तीनियां क्यों है नहीं पता, जरूर एक बार हमसे पता करिए। क्या नाम है? किस क्लास में? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। चौथा जो होता है चक्र उसमें, वो 24 तीनियां उसमें क्यों होती है? शौर्य का प्रतीक है सफेद, शांति का, और जो हरा है वो हरियाली का। बीच वाला? बीच वाला तो चक्र है। 24 पीलियां क्यों है? 24 पीलियां नहीं पता, पता कीजिएगा आपसे। थोड़ा तेजी में बोलो। बारहवीं क्लास तुमको बताओ में कितने रंग? तीन माना चुके हैं जब चार हैं। नहीं नहीं, चार हैं। कौन मानता है तीन? मैं मानता हूँ। चार नहीं, हम तो चार मानते हैं। तिरंगा इसका नाम क्यों है? तिरंगा इसका नाम क्यों है? तीन रंग की वजह से तिरंगा कहते हैं क्या? जी। कौन बोला आप? कहीं पढ़े? कहीं आप पढ़े? चलिए तीन रंग ही बता दीजिए। कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया रंग का बताइए प्रतीक। हिंदू का केवल प्रतीक है क्या? केसरिया रंग। चलिए दूसरा बताइए। दूसरा शांति का प्रतीक क्या? व्हाइट व्हाइट जो है शांति का प्रतीक। तीसरा? तीसरा हरियाली का प्रतीक। हरियाली का, हरियाली का क्या? हरियाली का प्रतीक है, यानी जो गणपति बड़ा है हरियाली, इसका प्रतीक। और बीच में एक रंग और है, उसको क्या कहते हैं? चक्र। कौन सा चक्र है? नाम भूल गए। उसमें कितनी दिल है? इसलिए इसलिए पता नहीं है, हमसे एक बार जरूर। भारत माता की जय। क्या नाम है? आशुतोष जी, हमको एक बात बताइए, झंडा तिरंगा 15 अगस्त भैया क्यों फहराया जाता है? हाँ, तो मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1948 में आज़ाद। तो हम कौन सा साल का स्वतंत्रता का के हिसाब से 1948 में 76। हमको सिर्फ इतना बताइए, तो ये चारों प्रति, ये चार इसमें रंग है, चार ही रंग है ना, ये चौथा रंग कौन सा है इसमें? नीला। क्या है वो? दर्शाता है कि भारतीय 24 घंटा लगातार काम करते हैं, उसमें 24 तीलियाँ 24 तीलियाँ होगा। 24 घंटा भारतीय काम करते हैं, इसलिए वो होता है क्या? नहीं ना, थोड़ा सा मिस। समय है, चक्र है ये।